सबसे बड़ी खबर के साथ पंजाब की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के नए सीएम बन सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जो सूत्रों से पता चला। तमाम नाम चल रहे, जिसमें प्रताप सिंह बाजवा का नाम था और कई नाम चल रहे थे, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम इस वक्त सबसे आगे हो गया है और यह कहा जा रहा है कि पंजाब के अगले मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, आने वाले वक्त में अगले 5 महीनों में चुनाव होना है पंजाब में, तो कैसे सबको साधना है। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती थी, कांग्रेस को एक चेहरे की तलाश थी, संभवतः वो चेहरा मिल गया है जिसको अब कांग्रेस मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। बिल्कुल, सुखजिंदर सिंह रंधावा कैप्टन कैबिनेट में मंत्री भी रहे और उन्हीं के नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। सुबह से लगातार मंथन जारी था, पहले अंबिका सोनी का नाम था, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तो देखिए, कांग्रेस एक ऐसी जमात है, जो भी हमारी हाईकमांड कहेगी तो हर वर्कर को वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो मैं भी एक छोटा वर्कर हूं। तो आप सुन रहे थे सुखजिंदर सिंह रंधावा को, जिन्होंने कहा कि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं। फिर इकट्ठी हो जाते हैं, मनाड़ जाओगे, मनाड़ जाओगे सर, कैप्टन साहब मनाड़ जाओगे। मेरे कैप्टन साहब बुजुर्ग ने, मैं हमेशा ही उन्होंने अपने फादर की तरह समझा और उन्होंने भी मेनू टिक्कू वांगू, अपने बेटे वांगू, अपने यंगर ब्रदर वांगू उन्होंने मेरे दूरियां तो बनी है। बेशक मेरे उन्होंने डिफरेंसेस रहे ने, तुसी वेखोगे कि कैप्टन साहब ने एक बारी भी सुखजिंदर सिंह रंधावा दे मेरे मुंह कोई गल निकल जाती होगी, कैप्टन साहब ने कभी रिएक्ट नहीं सी। क्या कैप्टन साहब को साथ लेके चलेंगे अब जो नई सरकार बनेगी? अगर तुहाडा नाम अनाउंस हो जांदा ते मैं कैप्टन साहब नूं ते वैसे भी मिलदा रहा, तुहाडे सामने हर कैबिनेट च मिलदा रहा, हर फंक्शन च मिलदा रहा, ये तो कभी हो नहीं सकता कि जिस आदमी दे नाल 2002 चो चलिया होवे सुखजिंदर सिंह रंधावा जां सुख सरकारी जां सरदार लाल सिंह जां होर कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह साडी फैमिली दे। और हितेन हमारे सहयोगी और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। हितेन, सुबह से लगातार मंथन जारी था, पहले अंबिका सोनी का नाम आता है, अब सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर फाइनल मुहर, औपचारिक ऐलान कब तक संभव है और क्या अपडेट आगे, किस तरीके से मंथन जारी है अभी आगे? ठीक है, करीब 2 घंटे से अंबिका सोनी राहुल गांधी के आवास पर मौजूद है और यहाँ पर ये बैठक चल रही है, पंजाब को लेकर ही चल रही है। यहीं से ये खबर आई है कि यहीं से नाम जो है पंजाब भेज दिया गया है रंधावा का, और करीब 5 बजे तक जो है ये ऐलान किया जाएगा। अब से थोड़ी देर में वहाँ पर जो है विधायक दल की मीटिंग मिलेगी और उसी के बाद 5 बजे के करीब जो है आसपास रंधावा के नाम का ऐलान किया जाएगा औपचारिक तौर पर, ये खबर अब तक सामने आ रही है। देखिए, रंधावा को इसीलिए पसंद किया गया कि जिस तरीके से कल बीती रात भी राहुल गांधी के आवास पर अंबिका सोनी और सबकी बैठक हुई थी, उस दौरान अंबिका सोनी को प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अंबिका सोनी ने साफ साफ इनकार कर दिया था, कहा था कि नहीं, पंजाब की जो परंपरा है वो परंपरा टूटनी नहीं चाहिए, सिख चेहरा ही पंजाब का मुखिया बने और वही चाहते थे। इसीलिए आज लगभग दोपहर से करीब 2 घंटे से जो राहुल गांधी के आवास पर चर्चा हो रही थी कि अगर सिख चेहरे को बनाना है तो किसे बनाना चाहिए, कई सारे नाम राहुल के सामने रखे गए थे। उसके बाद रंधावा के नाम पर जो है हाईकमान की तरफ से मुहर लग चुकी है और 5 बजे के आसपास जो है इस नाम का ऐलान किया जाएगा। सुखजिंदर, हितेन कैप्टन के कैबिनेट में भी रहे हैं, उनके साथ ही रहे, तो अब सवाल यह है कि क्या किसके रिकमेंडेशन पर, आखिर राज्य में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके रिकमेंडेशन पर इनके नाम को फाइनल किया गया? देखिए, यहाँ से अंबिका सोनी मौजूद थे इस बैठक में, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, यानी कि निश्चित तौर पर अंबिका सोनी से सलाह मशवरा किया होगा, उसी के बाद ये नाम रखा गया होगा। देखिए, दिल्ली में कई पंजाब के ऐसे नेता है जिसमें अंबिका सोनी है, मनीष तिवारी है, ये पंजाब की राजनीति से कहीं दूर रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से बात किया जाए मनीष तिवारी की, तो ये मनीष तिवारी के लिए हमेशा कहा जाता है वो कैप्टन के गुड बुक में है, कैप्टन के करीबी है, इसीलिए मनीष को इस बैठक में मौजूद नहीं थे, लेकिन अंबिका सोनी एक न्यूट्रल रोल निभा रही है ऐसे कांग्रेस का सूत्रों का कहना है, और इसीलिए उनसे सलाह मशवरा करके जो है इस नाम पर चर्चा की गई है, क्योंकि सिख चेहरा है, पहले से ही सरकार में मौजूद थे, मंत्री थे, और किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि अन्य विधायकों को भी उनके नाम पर जो है किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। देखिए, जैसे मैंने सुबह भी बताया था कि मेरे सोर्स ने मुझे साफ कहा था कि आलाकमान ने नाम तय कर लिया था, लेकिन जो कैप्टन के करीबी विधायक है उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी, अगर फ्लोर टेस्ट
वाली नौबत आती है तो फ्लोर टेस्ट के दरमियान कैप्टन के जो 15 से 20 करीबी विधायक है वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई बगावती तेवर ना अपना ले, इसलिए उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही थी। उनके मानने के बाद ही जो है इस नाम का ऐलान होना था, ये तय था। तो निश्चित तौर पर ये यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है ये एक औपचारिक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो विवाद था, जो कैप्टन के करीबी विधायक थे जो नाराज चल रहे थे वो मान चुके हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं अभी आलाकमान की तरफ से जो रंधावा के नाम का पत्ता जो है वो खोला गया है और अब से थोड़ी देर में उस नाम का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। सुनील हितेन, सबसे पहले सुनील जाखड़ का नाम चर्चा में आता है क्योंकि वो करीब ही रहे हैं राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी कहा जाता है कि वो भी, उन्होंने भी अपनी दावेदारी पेश की, फिर सुखजिंदर सिंह रंधावा को सबसे ऊपर रखकर आलाकमान की ओर से इस बात पर सहमति जता दी जाती है, तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू का जो गुट है वो इस बात पर सहमत है? देखिए अभी कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस में भी हाईकमान में भी जो है दो गुट बन चुके हैं। देखिए जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू को लाया गया था, तो सिद्धू को कांग्रेस में लाने में सबसे अहम भूमिका जो थी वो प्रियंका गांधी की थी, और सिद्धू को प्रेसिडेंट बनाने में सबसे अहम भूमिका जिसकी थी वो राहुल गांधी थे। अब प्रियंका चाहती है कि अगर सिद्धू के हाथ में आपको कमान सौंपनी है तो आप देरी मत करिए, चुनाव तक का इंतजार मत करिए, आप सिद्धू को अभी से मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि आपने पूर्व मुख्यमंत्री, अपने कैप्टन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए कह दिया, तो आप सिद्धू को अभी से ही कमान दे दीजिए। लेकिन दूसरी ओर राहुल और सोनिया गांधी का मानना है कि अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, इसीलिए किसी और चेहरे, सिख चेहरे के साथ जो है आगे बढ़ना चाहिए, अगर पंजाब में अगर सरकार बन जाती है उसके बाद सिद्धू के हाथ में जो वो कमान सौंपी जाएगी। तो ये कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है, अभी भी जो पार्टी के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है सिद्धू को लेकर किसी भी नेता में, किसी भी हाईकमान के किसी भी बड़े नेता में, कि सिद्धू जीता पाएंगे कि नहीं जीता पाएंगे, सिद्धू सरकार बनवा रिपीट करवा पाएंगे कि नहीं रिपीट करवा पाएंगे, क्योंकि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो ऑरा था जी, उस तरह का ऑरा। चलिए हितेन बने रहिए, हम लौट रहे हैं आपके पास, और शिवम भी हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। शिवम देखिए, हितेन ये कह रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर ये कंफ्यूजन है कि अगर सिद्धू को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए तो पता नहीं सरकार में क्या होगा, आने वाले वक्त में चुनाव है वो जिता पाएंगे कि नहीं जिता पाएंगे। लेकिन क्या सिद्धू के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जो कैप्टन ने बड़ा आरोप लगाया था और आज उस पर बीजेपी ने भी कहा कि इस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए? निश्चित तौर पर देखिए, सिद्धू को लेकर न सिर्फ आलाकमान बल्कि जो पंजाब कांग्रेस के नेता हैं उनकी भी एक राय नहीं थी। हालांकि कल कैप्टन ने जिस तरीके से सिद्धू को टारगेट किया और लगातार उन्होंने ये कहा कि वो पाकिस्तान परस्त है, जनरल बाजवा की बात की, इमरान खान की बात की, हालांकि सिद्धू की एक समस्या और है कि चाहे जब वो भाजपा में थे या अभी कांग्रेस में है, दोनों समय में वो कोलाहल मचा कर रखते हैं, यानी कि जहाँ जाते हैं कुछ ऐसा करते हैं कि निश्चित बवाल खड़ा होता है। जब सिद्धू को कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि आपको काम है, आगे की रणनीति बनानी है, लेकिन जब से सिद्धू कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं पंजाब में तब से आप देख सकते हैं बीते 6 महीने में कैप्टन और सिद्धू विवाद बढ़ता चला गया। चलिए बने रहिए, शिवम लौट रहे आपके पास।